हाय ऑडियंस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो मॉर्निंग स्टार्ट होती है किचन के वर्क से, तो यहाँ पे मिल्क बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। जो मॉर्निंग में हमारे यहाँ मिल्क आते हैं तो उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। देन यहाँ पे मैं गार्लिक क्रश करके सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो मैं सेम आलू की सब्जी बना रही हूँ, तो उसमें मैं जनरल सिर्फ गार्लिक और मिर्चा और क्या कहते हैं टमाटर, ये तीन चीज़ ही डालती हूँ। बाकी जो सब्जी मसाले वगैरह, हल्दी मसाला, नमक, और बस इस तरीके मैंने नमक वगैरह डाल के इस सब्जी को फ्राई कर दिया है। बैकग्राउंड में आप बेटू को देख सकते हैं, वो एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से किचन ऐसे ही आता रहता है। और मॉर्निंग में हम उसको वॉकर में प्लेस कर देते हैं, तो वो भी अपना एक्सप्लोर करता रहता है। तब तक उसको रोकने और टोकने वाला और देखने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि ये भी अपने मॉर्निंग रूटीन में लगे रहते हैं। तो बस ये सब्जी मैंने यहाँ पर फ्राई कर दी है, और फिर अब मैं यहाँ पर तवा रख दी हूँ रोटी बनाने के लिए। तो बस सब्जी और रोटी आज का लंच यही है इनके टिफ़िन के लिए। तो बस यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ, और इनका टिफ़िन रखना है और चाय निकालना है, तो बस ये टिफ़िन मैं इनका रख रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं चाय गरम करने के लिए रख दूँ, और ये इनका टिफ़िन रेडी है। और अब मैं चाय छान ले रही हूँ। तो मैं मॉर्निंग में कभी कभी ऐसे सिंपल पराठा और चाय बना देती हूँ, तो ये रहता है कि ब्रेकफास्ट भी हो गया और ठीक ठीक और हेल्दी सा ब्रेकफास्ट भी होता है चाय पराठा। और बस ये चले गए हैं बैंक, तो फिर मैं बेबी के लिए यहाँ पे एप्पल को, जो मैंने स्टीम किया है, उन्हीं एप्पल्स को अब मैं ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर में। तो यहाँ पे मैं बाबू के लिए जैसे एप्पल को स्टीम कर लिया, देन ये उसका मिल्क प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं बेटू को लैक्टोजन स्टेज 2 अभी दे रही हूँ, तो ये मैंने उसका मिल्क प्रिपेयर कर लिया है, और बस इसी मिल्क में उस एप्पल को ग्राइंड कर लेंगे। और मैं मोस्टली बेबी को मॉर्निंग में यही एप्पल की ये प्यूरी ही देती हूँ, क्योंकि वो बनाना बिल्कुल नहीं खाना पसंद करता। तो यहाँ पे मैं रवा को रोस्ट कर रही हूँ बेटी के लिए, लाइक उसको चाहे हलवा बना के और चाहे उपमा बना के देने के लिए। तो मैं यहाँ पे इस रवा को रोस्ट करके इस एयर टाइट कंटेनर में फिल कर लूँगी। सेम पैन में मैं ओट्स को भी थोड़ा सा रोस्ट कर ले रही हूँ बेटू के लिए ही। यहाँ पे मैंने सूजी रोस्ट किया, जो कि मैं इस कंटेनर में डालूँगी, एंड ओट्स को भी रोस्ट करके सेम ऐसे ही कंटेनर में मैं फिल करूँगी। और जो है ये मैंने पतंजलि के ओट्स में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छे रोल ओवर वाले ओट्स हैं, मतलब ठीक ठीक है। आई थिंक सफोला एंड ऑल से मुझे पतंजलि का ज़्यादा बेटर लगता है, ये प्लेन ओट्स हैं। तो हमारी रोस्ट सूजी और रोस्ट ओट्स एंड ग्राइंडेड ओट्स आर रेडी। सो एज़ यू कैन सी, मैंने यहाँ पे रैक पे बाबू की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी हैं। इसमें एक में सूजी, एक में ओट्स है, इसमें सेरेलेक है, और इसमें इसका लैक्टोजन मिल्क पाउडर है। और यहाँ पे मैंने हॉट केस रखा है, जिसके अंदर इसके सारे स्क्वीजर, बॉटल एंड टीथर हैं। इसमें यहाँ बेबी के लिए थोड़ा सा उपमा बनाने जा रही हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा सा 1 स्पून ऑफ घी डाल दिया है, और साथ ही साथ यहाँ मैं बाबू का पानी बॉयल कर रही हूँ। और अब इस घी में हम ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता और राई डाल देंगे।
और यहाँ पे मैंने सूजी ऐड कर दिया है इसमें, थोड़ा सा सूजी तो ऑलरेडी रोस्ट है, थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लेंगे उसको, एंड देन वी विल ऐड वाटर इन दिस एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। तो अभी इसमें हमने पानी और सॉल्ट ऐड कर दिया है, अभी थोड़ी देर बॉयल हो जाए। तो यहाँ पे बेबी का उपमा रेडी है, तो अब चलते हैं उसको फीड कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेबी को शाम को वॉकर में छोड़ दिया है और वो थोड़ा खेल रहा है, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।